हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे वीडियो में हम इंग्लिश से कुछ फ्रेजेस देखने वाले हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ पहले फ्रेज से। पहला फ्रेज है हमारा अ पीस ऑफ केक। क्या मतलब हुआ इस फ्रेज का? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इजी हो या कोई काम बहुत इजी हो तब हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, अ पीस ऑफ केक। समथिंग इज इजी, ठीक है। कोई एग्जांपल देते हैं हम। मुझे अगर बोलना हो कि मैथ्स का टेस्ट मेरे लिए बहुत इजी था, तो अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना हो क्या हो जाएगा हमारा? द मैथ्स टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्लियर है? जो कि बहुत आसान हो कोई चीज तब हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ केक, ठीक है। दूसरा फ्रेज है हमारा टू फील अंडर द वेदर। क्या मतलब हुआ इस फ्रेज का? टू फील नॉट वेल। अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे या बीमार फील कर रहे हैं तब हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ क्या कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, ठीक है। ये है हमारा सेंटेंस, ठीक है। अंडर द वेदर का यूज कैसे करेंगे हम? जब हमें ये बताना हो कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे या सिक फील कर रहे हैं तब। सेकंड, थर्ड है हमारा सी आई टू आई, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस फ्रेज का? अगर हम किसी से किसी बात पर सहमत हैं या अग्री हैं तब हम इस सी आई टू आई का यूज कर सकते हैं। जैसे अग्रीइंग विद समवन, ये है हमारा मीनिंग है इसका, ठीक है। अगर हमें कुछ एग्जांपल हो देखना हो तो क्या बोल सकते हैं हम? दे सा आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, ठीक है। वो बिजनेस डील पर अग्री है, ठीक है। तब हम यहाँ यूज कर सकते हैं आई टू आई का। यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाइए क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सी का सौ, ठीक है। फोर्थ है हमारा वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। क्या मतलब है इस फ्रेज का? अगर कोई चीज़ कभी कभार होती है, बहुत रेयरली होती है, तब हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे समथिंग, क्या मतलब हुआ? समथिंग हैपेंस इनफ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी नहीं होता हो, बहुत ही रेयरली होता हो, ठीक है। क्लियर है इसका मीनिंग? अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा? आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। मैं सिनेमा बहुत ही कभी कभार ही जाता हूँ, बहुत रेयरली जाता हूँ, तब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं किसका? वंस इन अ ब्लू मून का। क्लियर है इतना? नेक्स्ट फ्रेज है हमारा कॉल इट अ डे, ठीक है। क्या मतलब है इस फ्रेज का? कि कोई भी काम अगर हम जो आज कर रहे हैं, हम आज के लिए उस काम को स्टॉप कर दें अगर, तब हम बोल सकते हैं, तब हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं कॉल इट अ डे। जैसे मैं लिखती हूँ, क्या मीनिंग हुई यहाँ पर? स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, या कोई भी काम रेस्ट ऑफ द डे के लिए स्टॉप कर देना, तब हम यहाँ पर कॉल इट अ डे का यूज कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल बोलना हो मुझे तो क्या बोल सकते, कैसे यूज करेंगे हम इसका सेंटेंस में? आई एम फीलिंग
गेटिंग बिट टायर्ड नाउ, ठीक है, मैं अब क्या, आई एम गेटिंग बिट टायर्ड नाउ, मैं अब बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो क्या बोल सकते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है, आज के लिए काम को स्टॉप करते हैं रेस्ट ऑफ द डे के लिए, तब हम यहाँ पे कॉल इट अ डे इस टाइप से यूज करेंगे, क्लियर है इतना। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक अ लैग, क्या मतलब हुआ, अगर किसी को गुड लक विश करना हो, कोई किसी काम के लिए जा रहा हो, जैसे एग्जाम देने जा रहा हो या किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हो, तब हम जैसे बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे गुड लक विश करने के लिए ब्रेक अ लैग का यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बोलना हो, मान लीजिए ब्रेक अ लैग, किसी का भी नाम ब्रेक अ लैग दीक्षा, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, ठीक है। अगर किसी को गुड लक विश करना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं ब्रेक अ लैग दीक्षा, अगर दीक्षा को बोल रहे हैं, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू कट अ कॉर्नर, ठीक है, क्या मतलब हुआ इस फ्रेज का, अगर कोई काम हम बहुत ही बोल सकते हैं कम खर्चे में या बहुत ही बैडली तरीके से या कम खर्चे में या लीस्ट एक्सपेंसिव चीज में अगर कर रहे हो, तब हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, क्या बोल सकते, डू समथिंग बैडली और चीपली, ठीक है, किसी काम को अगर हम सस्ते में कर रहे हो तब हम यहाँ पे कट टू कट कॉर्नर फ्रेज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा क्या एग्जाम्पल है, दे रियली कट कॉर्नर व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम The shower is leaking, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कम खर्चे में इस बाथरूम को बनवाया, जिसके कारण क्या है कि शावर लीक हो रहा है ना, तो कट द कॉर्नर का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेज का, ठीक है, क्लियर है इतना। कौन कौन से फ्रेज देखे हमने इस वीडियो में, एक बार रिकॉल करते हैं हम फिर से, अ पीस ऑफ केक, क्या मतलब हुआ, समथिंग इज वेरी इजी, अगर कोई चीज बहुत ईजी हो तो हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ केक का। सेकेंड हमने देखा क्या, टू फील अंडर द वेदर, मतलब नॉट फील वेल, तब हम यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज का। फिर है कॉल इट अ डे, मतलब आज के लिए इतना ही, अगर कोई काम हम कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर दें आज के लिए, तब कॉल इट अ डे का यूज़ करेंगे। और कौन सा फ्रेज देखा हमने, वंस इन अ ब्लू मून, दैट मीन्स कि कोई भी काम बहुत ही रेयरली होता हो, ईद का चांद जैसे बोलते हैं ना, तब हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा देखा हमने, कट द कॉर्नर, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चीज़ हम बहुत ही कम खर्चे में कर रहे हो या वेरी लेस एक्सपेंसिव में यूज कर रहे हो, तब हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। और हमने क्या देखा आज, और हमने देखा ब्रेक अ लेग, क्या मतलब हुआ इस फ्रेज का, अगर किसी को गुड लक विश करना हो तब हम यूज कर सकते हैं ब्रेक अ लेग, ठीक है। और एक फ्रेज है कौन सा हमारा, टू सी आई टू आई, दैट मीन्स कि किसी बात पर सहमत होना या अग्री होना किसी से, तब हम सी आई टू आई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।